मैं भोपाल से हूँ, आनंद श्रीवास्तव मेरा नाम है। मैं 4 साल पहले मेरा बाईपास ऑपरेशन हुआ था, और वो इस कारण से हुआ कि पिछले 20 साल से मेरे को डायबिटीज़ थी, और इन दोनों कारणों से जब बाईपास हुआ तो थोड़ी चिंताएं और बढ़ गईं उसकी। उसके बाद मैंने बराबर जो है कोशिश करी कि कहीं ऐसी संस्था मिले जो मुझे नेचुरल तरीके से सही कर सके, क्योंकि अपना शरीर जो बना है वो इन 5 तत्वों से बना है, उन 5 तत्वों से ही हम ठीक हो सकते हैं। ये मैंने आचार वो चरक संहिता में भी पढ़ा और कई जगह पढ़ा। तो ऐसी संस्थाएं कई थीं, लेकिन उनकी अलग अलग शर्तें थीं। फिर उसके बाद मुझे मालूम चला कि आर्यन रिसोर्ट जो है जलगांव में एक है, जिसमें आचार्य सचिन जी जो हैं वो कराते हैं, और उनकी कोई शर्त नहीं है। तो पिछले 2-3 साल से मैं उनको कोशिश कर रहा था, लेकिन अब जा कर के मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस कैंप को उनके अटेंड कर सकूं। और आज मेरे को 5 दिन हो गए यहाँ अटेंड किए हुए। मैं अपने आप को बहुत हल्का और स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, और जो भी मेरे को समस्याएं थीं वो समस्याएं दूर हो गईं। और मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि विश्वास ये हुआ कि जो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल है या डायबिटीज़ का कारण है, वो नेचुरल तरीके से अगर सही किया जाए तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है। और ये मुझे यहाँ पर सचिन जी ने विश्वास दिलाया है। उनके आत्मीयता से सारा ट्रीटमेंट करने, नेचुरल तरीके से उन्होंने ट्रीटमेंट किया। वो ट्रीटमेंट करने के बाद मैं तो लगभग हर देशवासी को यही सलाह दूंगा कि जहाँ भी उनको मौका मिले अपने को नेचुरल रखने की कोशिश करें, और शहर में अगर वो नहीं रख पा रहे हैं तो ये आचार्य सचिन जी का जो मुहिम है इसमें वो शामिल हों। अगर वो साल में 2 बार भी अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन कराने के लिए तैयार होते हैं 5-5 दिन के लिए, तो इससे बड़ा सौभाग्य उनके लिए कोई और नहीं होगा। क्योंकि इसको करने के बाद अगर 2 बार 3 बार कर लिया तो मेरे ख्याल से सारी दवाइयों से मुक्ति मिल जाएगी। और आज के समय में दवाइयों का ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, बाकी चीज़ों का नहीं हो रहा। इसलिए मैं चाहूँगा कि सभी लोग इस बारे में ध्यान दें और कोशिश करें कि डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए प्रयत्न करें। डिटॉक्सिफिकेशन में जो चीज़ें करवाई गई आपसे, उसमें क्या क्या, किस किस तरह से पसीना निकाला गया, एसिड निकाला गया, शंख प्रक्षालन हुआ, उसके बारे में क्या आपका मनोभाव है, जरा व्यक्त करें। मैं दरअसल पहले भी एक दो जगह गया हूँ, लेकिन वहाँ पे जो भी तकनीक थी पसीना निकालने की, डिटॉक्सिफिकेशन कराने की, जल नेत्री की, वो सब एक साइंटिफिक तरीके से किसी मशीन द्वारा कराई गई थी। लेकिन यहाँ पर सचिन जी द्वारा जो भी तरीके अपनाए गए, जैसे पसीना निकालना है तो धूप में लिटा करके उन्होंने तेल लगा करके और उससे पसीना निकाला। अगर जल नेत्री करनी है तो उसका बहुत अच्छा तरीका उन्होंने बताया। एक 12 साल के बच्चे ने भी यहाँ पर उसको आसानी से कर लिया। और जब शंख प्रक्षालन कराया तो मुझे पूर्व अनुभव जो थे उससे मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन जब इन्होंने सचिन जी ने ये डिटॉक्सिफिकेशन कराया शंख प्रक्षालन, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मैंने आराम से कर लिया। जबकि मेरी पत्नी जो है इस बात से डर रही थी कि पहले की तरह अगर 6-7 लीटर पानी पिला करके कराया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत बढ़ सकती है, क्योंकि हार्ट का ऑपरेशन हुआ है। लेकिन ऐसी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, सब कुछ आराम से हुआ। और सिर से लेके पांव तक मिट्टी का लेपन किया गया, अलग अलग मिट्टियों के लेपन किए गए, पानी में कटी स्नान कराया गया। तो इस तरह से सारी प्रक्रियाएं नेचुरल तरीके से की गई, और इसमें जो भी तरीके अपनाए गए उनको हम घर पर भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। पर जैसे कि आपको हृदय रोगी थे, मन में एक हृदय रोगी को डर रहता है, भय रहता है कि इस तरह की चीज़ें करने पे हमको साइड इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा, या कोई तकलीफ बढ़ तो नहीं जाएगी, हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अकेले आ पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो हृदय रोगियों के लिए क्या आप संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि आप बाईपास हो चुका है, हृदय रोगी है और मन में एक डर भी होगा, और क्या संदेश देना चाहेंगे दूसरे हृदय रोगियों को? देखिए, हृदय रोगी जो भी हैं वो भी प्राकृतिक तौर पर अगर रहते हैं तो उनका हृदय रोग भी सॉल्व हो जाएगा। इसलिए प्रकृति के निकट जितना रहें और इस तरह से डिटॉक्सिफिकेशन कराते रहें तो नेचुरल तरीके से कोई दिक्कत नहीं आएगी।